अस्सलाम वालेकुम, दिस इज जानदे फोन गोरी फ्रॉम फाउंडेशन स्टेट डील्स इन बैरियर टाउन कराची। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। और आज का टॉपिक उन लोगों के लिए है जो कि जिनका बजट कम है और वो बैरियर टाउन में इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं। आज की वीडियो हम बैरियर ग्रीन के वाले से बनाएंगे, जिसको बैरियर ने लो कॉस्ट स्कीम बैरियर ने अनाउंस की थी, बैरियर ग्रीन, जिसको 16,75,000 में अनाउंस किया गया था 4 साल के इंस्टॉलमेंट प्लान के ऊपर। और आज की मार्केट में अगर आप वहाँ बैरियर ग्रीन में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो उसमें आपको 13 से 14 लाख रुपये में आप बैरियर टाउन में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं ईजिली, स्टार्टिंग फ्रॉम 13 to 14 लैक्स। बाकी अच्छे कैटेगरी प्लॉट जो है वो आपको 17 to 18 लाख रुपीज़ में आराम से ईजिली मिल जाते हैं। अच्छा, इसकी ये फुल अमाउंट नहीं है, इसमें आपको रिमेनिंग पेमेंट जो है वो 2023 तक पेमेंट करनी है। आज की मार्केट के हिसाब से अगर आप बाय करते हैं 13 से 14 लाख रुपए में आपकी फाइल आपके नाम पे हो जाएगी। उसके बाद जो रिमेनिंग इंस्टॉलमेंट होंगी वो 2023 तक आपको जो पे करनी है। 6,000 की इसकी जो है वो क्वार्टरली इंस्टॉलमेंट है, जो कि हर 3 महीने में आपको पे करनी होगी। इसके अलावा ये लो कॉस्ट स्कीम है, कुड बी पॉसिबल, इसमें काफ़ी ज़्यादा चांसेज हैं। गवर्नमेंट जो है यहाँ पर सब्सिडी देगी और यहाँ पर लीज जो है वो दे सकती है। और इसका एक एडवांटेज पॉइंट ये है कि एक तो ये मेन गेट से 25 किलोमीटर के डिस्टेंस के ऊपर है, और दूसरी चीज़ ये एडवांटेज इसका ये है कि यहाँ पर नया पाकिस्तान हाउसिंग स्कीम के अपार्टमेंट्स अंडर कंस्ट्रक्शन है। ये अनऑफिशियल न्यूज़ है लेकिन काफ़ी हद तक लगता है कि इस बात में रियलिटी है। और यहाँ पर अगर अपार्टमेंट्स बनते हैं, जो कि अच्छी तादाद में जो है वो अपार्टमेंट्स की डेवलपमेंट चल रही है, अप्रॉक्सीमेटली 10 से 15 बिल्डिंग्स जो है वो अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है नया पाकिस्तान हाउसिंग स्कीम की, अगर वहाँ पर अपार्टमेंट्स बन जाते हैं तो ये बैरियर ग्रीन काफ़ी अच्छा जो है ये प्रोजेक्ट कंसिडर किया जा रहा है फ्यूचर इन्वेस्टमेंट के हवाले से। और इसका गेट से डिस्टेंस 25 से 26 किलोमीटर है, और एज़ पर आर कंसल्टेंसी यहाँ पर जो लोग जिनका बजट कम है उनको इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। आने वाली वीडियोज़ में हम आपको अच्छी इन्वेस्टमेंट्स के हवाले से अपडेट देते रहेंगे। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।